मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी नेता मानसिंह पटेल के लापता होने की जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया है। एसआईटी मानसिंह पटेल के लापता होने के मामले में मंत्री राजपूत और उनके करीबियों की भूमिका की जांच करेगी। जानकारी के अनुसार ओबीसी नेता मानसिंह पटेल की सागर जिले में जमीन थी, जिस पर कब्जा करने का आरोप मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर लगा है। वर्तमान में भी जमीन पर मंत्री राजपूत का ही कब्जा है, जिसे लेकर मानसिंह पटेल ने 2016 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पटेल ने मंत्री राजपूत से अपनी जान का खतरा बताया था। इसके बाद से मानसिंह पटेल लापता हैं और उन्हें पुलिस अब तक तलाश नहीं कर पाई है। इस लेकर पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच में सच्चाई सामने आएगी और मेरे खिलाफ जो साजिश की गई है उसका भी पर्दाफाश होगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने गुमशुदा व्यक्ति के खिलाफ एक एसआईटी गठन किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और खास करके कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना कि इसमें किसके खिलाफ टिप्पणी की गई है, तो मेरे खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ना कोई टिप्पणी की गई है, ना ही मुझे आज तक कोई नोटिस जारी किया गया है, ना ही मुझे आज तक बुलाया गया है। मेरे राजनीतिक षड्यंत्रकारियों द्वारा, विरोधियों द्वारा जो भी षड्यंत्र रचा गया था, न्यायालय से मुझे पूरा उसमें न्याय मिला है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूरा सुप्रीम कोर्ट का बयान पढ़े बगैर जो भी लोग अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भ्रामक प्रचार करेंगे, उनके खिलाफ मैं न्यायालय में जाऊंगा, संभव हुआ नहीं माने तो उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दायर करूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।